सर उठ रहे हैं। सर मैं माजरत चाहता हूँ इस तरह आपके कमरे में आने की, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ऑफर नहीं है। सर मुझे आपकी ऑफर चाहिए भी नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप एहसन साहब को कॉल करके कहें कि मैं आपके पास जॉब नहीं करता हूँ। हाँ मैं आपके पास इंटरव्यू देने जरूर आया था लेकिन मैंने आपके पास जॉब करने से इनकार कर दिया था। मैं एहसन को यूसुफ जई फोन करे कि तुमने मुझे इनकार किया था। सर दरअसल मुझे फंसाया जा रहा है, वो लोग समझते हैं कि मैंने आपसे हयात एंटरप्राइजेस के सीक्रेट शेयर किए 50 लाख के बदले में। इट इज नन ऑफ माय बिजनेस रहीम, आप जाके अपने मामला खुद जाके सेटल करें। क्या मैं आपको इतना फर्क नजर आता हूं? सर आपको याद है आपने मुझे ऑफर तो दी थी ना। मुझे तो याद नहीं मैंने तुमको ऑफर की कोई। तो अब समझा, आपकी ऑफर भी प्लान्ड थी और आपने वहाज के कहने पर मुझे इंटरव्यू की कॉल दी, धोखा दिया आप दोनों ने मिलके मुझे। मेरी रेपो खराब करने के लिए आपने अपने साथ मेरी तस्वीरें बना ली। मुझे पूरा यकीन है कि वहाज से हयात एंटरप्राइजेस के सीक्रेट्स भी आपने खरीदे हैं। ओ जस्ट शट अप, इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर निकल पाऊं निकल जाओ यहां से। कितने कमजोर निकले आप यूसुफ साहब, मुकाबला अपने टक्कर के लोगों से और सामने से करने में ही मर्दानगी होती है। मुझ जैसे मामूली आदमी को एक मोहरा बनाकर तबाह करने में कितना बड़ा सौदा कर लिया आपने। इतना सस्ता जमीर था आपका। अरे आप जैसे लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में धब्बा है धब्बा। इसकी जरूरत नहीं है यूसुफ साहब, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं आपका और आप जैसे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता लेकिन ईमानदार आदमी की मेहनत का फल उसे जरूर मिलता है। अगली बार जब मुलाकात होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि हालात मुख्तलिफ होंगे। याद रखिएगा मेरी बात।